रीवा के मनकबा में एलपीजी गैस सिलेंडर लीकेज से एक घर में भीषण आग लग गई और इस भीषण अग्निकांड में घर में मौजूद एक महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला एक साल के बेटे को लेकर रसोई में खाना पका रही थी। इसी दौरान एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज होने के चलते देखते ही पूरे मकान में आग फैल गई, जिसके चलते माँ और बेटे दोनों जिंदा जल गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने और दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और दोनों मृतकों के शव को जली हुई हालत में बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर पंचनामा तैयार कर तफ्तीश में जुटी है। ये और इनका पुत्र अर्पित वर्मा, एक वर्ष उनकी उम्र है, दोनों जो आग से घायल जल करके उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनको अभी पुलिस पहुंचने के बाद उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अभी ये जांच की जा रही कि आग कैसे लगी है। अभी तक आग लगने का कारण क्या है ये पता नहीं है। वहाँ खाना बनाते समय जली या और अन्य कारण किससे जली, ये अभी वो जाँच चल रही है।